श्रीनगर में आतंकी हमले में भागलपुर के जगदीशपुर निवासी वीरेंद्र पासवान की मौत हो चुकी थी और इसके बाद यहां पर कोई भी अधिकारी इनका हाल लेने नहीं पहुंचे हैं, यहां तक कि सत्ताधारी नेता भी यहां तक नहीं पहुंचे हैं। अभी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा यहां पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि यहां पर कश्मीर में लालबाग में यहां वीरेंद्र पासवान जी वहां पर ठेला लगाकर पानी पूरी बेचते थे और जो आतंकवादियों को नागवार गुजरी और वहां पर उन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके साथ वीरेंद्र पासवान उनके भाई जो हैं वहां पर रहते थे, उन्होंने ही उनके परिवार को सूचना दी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि यहां पर कोई भी नहीं पहुंचे हैं, खासकर अधिकारी जिनको आना चाहिए था इनका हाल लेने के लिए, या फिर सत्ता के नेता, भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री जिनको आना चाहिए था यहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। ये बहुत दुख की बात है। इनसे हम बात करेंगे, परिवार वालों से। सबसे पहले एक दिन दो दिन बीत गया, कोई आए अब तक अधिकारी? सर अभी कोई मदद नहीं, कोई अधिकारी नहीं पहुँचे? मदद की कहीं से आस लग रही है? कोई सांस नहीं जाबी सर। अभी आए हैं अजीत शर्मा जी, आए हैं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं, क्या कहेंगे इनसे? सरकार से मदद मांगे, सरकार ने मदद हमरा करी। सबका कुछ पता चला कि यहाँ पे लाया जाना है अंतिम संस्कार के लिए, कि हो गया अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार हो गया माँ? हाँ माँ हो गया अंतिम संस्कार। देखिए बहुत ही दुखद है कि इनके पति का अंतिम संस्कार हो चुका है लेकिन ये उनका चेहरा तक नहीं देख पाए, ना उनका अंतिम दर्शन कर पाए। यहाँ की जिला प्रशासन या फिर बिहार सरकार ने उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया कि उनके सब को यहाँ पर लाया जा सके। अजीत शर्मा जी हैं सर, इनके सब को तो सबसे पहले यहाँ लाया जाना चाहिए था लेकिन अब तो अंतिम संस्कार हो गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी बात है कि लगातार आतंकी हमले भी हो रहे हैं और भागलपुर का एक शख्स मारा गया है सर, ना कोई यहाँ पर पहुँचे हैं ना कोई अधिकारी पहुँचे। नहीं, बहुत दुखद घटना है कि आतंकवादी द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसके घर पे शव नहीं भेजा जाता, ये सरकार की बिल्कुल विफलता है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि एक शव क्यों नहीं आया, लेकिन मैं तो सब सूचना मिला तो मैं यहाँ आया हूँ और जो इनकी परेशानी मैं देख रहा हूँ कि इनके बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सब लोग अभी पढ़ रहे हैं, छोटे हैं और कमाने वाला सिर्फ वही अकेले वीरेंद्र पासवान जी ही थे और उनकी मौत हो गई है। हम तो पहले उनके आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में इस परिवार को हिम्मत दे, भगवान की सहन शक्ति दे और इस दुख के घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा जो घटना हुई उसकी जानकारी देते हुए कि इनको कुछ ना कुछ तत्काल मदद या सरकारी नौकरी, अगर कोई ऐसा इसमें मैच्योर्ड होगा या नहीं तो कोई इसको मदद तो करनी चाहिए। और पदाधिकारी अभी तक नहीं आया इनसे पूछ के, तो मैंने अभी बी डी ओ साहब आए हैं अभी, तो बी डी ओ साहब को मैंने आग्रह किया है कि आप इनका पूरा डिटेल्स लिख के डाटा बना के आप मुख्यमंत्री और ये तो जिला पदाधिकारी को देंगे, उसको दें और हम भी ऊपर लिख के इनको कुछ ना कुछ इनको मदद कराने का काम करेंगे। आतंकी हमला लगातार हो रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि आतंकवाद का हमने सफाया किया है, लेकिन फिर इस तरह से क्यों और आज भी हुआ है वहाँ पर? नहीं, कोई ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो खाली झूठ बोलने का काम करती है। कोई आतंकवादी को ये खत्म नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह पूरे देश में करते हैं। और आज देख ही रहे हैं जगदीशपुर का गरीब व्यक्ति जो पानी पूरी बेचता है उसकी मौत हो जाती है, कोई लड़ाई नहीं उससे। मतलब कि आपके कंट्रोल में पूरा प्रशासन नहीं है, तभी तो आतंकवादी घुस के मार रहा है साहब जम्मू कश्मीर में। इसलिए पूरी सरकार विफल है। इसको फिर भी मैं इनकी जो कठिनाई है मैं इसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लिख के इनको कुछ ना कुछ मदद कराने काम करूँगा। दो दिन बीत चुके हैं, अब यहाँ के एक अधिकारी हैं वीडियो साहब पहुँचे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे सर। क्या कुछ मुआवजा का प्रावधान है इनके लिए और क्या किया जा रहा है आपके स्तर से? अभी जो हम पूरा फॉर्म वगैरह लेकर आए हैं जो भी मदद इनके हो सकती है अभी दस्तखत करा के अभी सैंक्शन कराएंगे हम लोग। फॉर्म वगैरह सब लेकर आए हैं, मेरे स्टाफ भी साथ में आए हैं, जो हम लोग की तरफ से मदद हो सकता है हम लोग करेंगे सर, और अभी तुरंत करेंगे। फिर भी कितना का मदद मिल सकता है सर? पारिवारिक लाभ का जो 20,000 देते हैं हम लोग वो देंगे, उनका विधवा पेंशन जो है वो सैंक्शन कराएंगे, अगर राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड का भी आवेदन लेकर आए हैं, राशन कार्ड भी बनवाएंगे अभी।
देखिए अभी वीडियो साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका कहना है कि जो सरकार के तरफ से दिया जाता है 20,000 रुपया की राशि अभी इनके इनको दिया जाएगा, लेकिन 20,000 से इनका क्या होने वाला है, 2,00,000 का इनके सर पर कर्ज था और उसे तोड़ने के लिए वो वहाँ पर पानी पूरी बेचते थे। बाकायदा उन्होंने परिवार को ये कहा था परसों सुबह ही कि हम दुर्गा पूजा में घर आ रहे हैं, हमारा टिकट भी बन गया है, लेकिन शाम में ये सूचना मिलती है कि उनके पत्नी को सूचना मिलती है कि उनके पति का निधन हो गया है। बहरहाल केंद्र सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है और इनको कब तक मुआवजा मिल पाता है यह देखना लाजमी होगा। अश्वनी कुमार, बिग न्यूज़, जगदीशपुर।